and you're watching Expose India. कांग्रेस का हमेशा मकसद रहा है करप्शन फर्स्ट। कांग्रेस के शाही परिवार ने कई दशक तक देश पर शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश के विकास के बजाय सारा ध्यान अपने विकास पर लगाया। कांग्रेस ने देश में ऐसा सिस्टम विकसित किया कि इसकी तिजोरी हमेशा काली कमाई से भरी रहे, और इसके लिए कांग्रेस ने कागजों पर ऐसे करोड़ों लोग तैयार किए जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। मैं समझा पा रहा हूं आपको? कांग्रेस में अगर कोई विधवा पेंशन है तो ऐसे व्यक्ति को विधवा पेंशन मिलता था जो बच्ची पैदा नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई और वो विधवा हो गई और कांग्रेस के खजाने से पैसा जा रहा है सरकार का। मैं आज देश को, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस के इस नकली के बारे में भी बताना चाहता हूं। इस नकली नाम घोटाले का बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटका के लोगों को भी हुआ है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस ने सरकारों के कागजों में ऐसे करोड़ों नकली लोगों के नाम डाल दिए जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे लोगों के नाम डाल दिए, और इन नकली नामों की संख्या कितनी है आपको चौंक जाएंगे। पूरे देश भर में जो नकली नामों की संख्या है वो कर्नाटका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, कर्नाटका की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा है। उनके नाम पर हर योजना के पैसे जाते थे। इन नकली नामों पर पैसे भेजे गए और ये पैसा जाता था कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की काली तिजोरी में। कांग्रेस सरकार के दौरान, याद रखोगे आंकड़े फिर से, याद रखोगे क्या हो जाता है आप लोगों को, गर्मी बहुत है, आंकड़े याद रखोगे? एक एक आंकड़ा मैं बुलवाऊंगा, बोलोगे? 4,20,00,000 नकली नामों को उन्होंने राशन दिया। कितने कितने? दूसरा, 4,00,00,000 नकली नामों को उन्होंने गैस की सब्सिडी दी। कितनी? तीसरा, कांग्रेस सरकार के दौरान 1,00,00,000 नकली नामों को महिला कल्याण के नाम पर पैसा भेजा। कितना कितना? कांग्रेस सरकार के दौरान 30,00,000 नकली नामों को, नकली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भेजी जा रही थी। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? कांग्रेस ने देश के कोने कोने में करीब करीब 10,00,00,000 नकली नाम सरकारी कागजों में डलवा दिए थे। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, 10,00,00,000 नकली नाम वाले लोग कभी भी उनका जन्म ही नहीं हुआ, पैसे जाते थे। ये कहां जाते होंगे भाई, बताओ कहां जाते होंगे ये पैसे? कहां जाते होंगे, कहां जाते होंगे? साल दर साल इन नकली नामों के नाम पर कांग्रेस की सरकारें पैसा भेज रही थी, राशन भेज रही थी, और ये जा रहा था कांग्रेस के टॉप से बॉटम तक भ्रष्ट नेताओं की जेब में। सरकार किसी की भी हो,
लेकिन कांग्रेस का ये सिस्टम बना रहता था। आप जानते हैं ये कांग्रेस के लोग मोदी पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं मालूम है? क्यों करते हैं ये कांग्रेस के लोग इतना नाराज क्यों है मालूम है? इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है क्योंकि मैंने इनके बने बनाए जो भ्रष्ट सिस्टम था ना, उसी को कुचल दिया है। बीते 9 साल में मैंने कांग्रेस ने नकली नाम घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। गरीब का हक छीन रहे इन 10 करोड़ नकली नामों को हमारी सरकार ने गरीब के हक के रास्ते से हटा दिया है। आज गरीब को, देश के नागरिक को, देश के नौजवान को उसका हक मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।